नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। आज यहां आशु पाठी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और आइए जानने की कोशिश करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात होती है। मानव श्रृंखला भी आयोजित की गई। 2 अक्टूबर पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए 2 अक्टूबर को ही झारखंड के 4,400 पंचायतों में एक साथ एक ही दिन में पंचायत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। पार्टी ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में 1,00,000 पदधारी हम बनाएंगे और जैसे पंचायत स्तर का पदाधिकारी पदेन रूप से पदभार अपना दायित्व लेंगे, साथ ही साथ अनुसंगी इकाई के पदधारी पंचायत स्तर पे दायित्व लेंगे, हम करीब करीब 1,00,000 पदधारी का लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के सभी पंचायतों में सम्मेलन की तैयारी को लेकर पूरी कर ली गई है। 4,400 पंचायत प्रभारी बनाए गए हैं। आज उनका सम्मेलन प्रखंड स्तर पर विनोद बाबू के जयंती के साथ साथ इसकी तैयारी भी हो रही। हम विगत दिनों पिछड़ों के हक को लेकर महात्मा गांधी जी के मोराबादी मैदान स्थित वाटिका से क्रमवार 3 दिन स्मरण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपने का कार्य किया। सामाजिक न्याय मार्च के माध्यम से हमने स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय उसमें लिखा और करीब करीब लाखों स्मरण पत्र हमने मुख्यमंत्री को सौंपा है। लेकिन वर्तमान सरकार के रवैये से ऐसा स्पष्ट है कि लास्ट दिन जिस तरह से हमारे लोगों पर लाठियां बरसाई गई, इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय के मामले में सरकार का नज़रिया क्या है। हमारे स्मरण पत्र का जवाब उसी दिन उसने दे दिया, लाठी चला करके उसने अपना जवाब दे दिया कि भाई सामाजिक न्याय की बात यह नहीं, अन्याय की बात चली। इसको लेकर के भी हम पंचायत स्तर पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ पंचायत के सम्मेलन में हम वहाँ के स्थानीय मुद्दों को जो उस पंचायत में पड़ते हैं तमाम विषयों पर हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे नेताओं को एक साथ कलेक्ट करेंगे और फिर प्रखंड स्तर पे इसकी चर्चा होगी। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को धारदार बनाने का काम कर रही है। हमने जितने 100-100 प्रखंड स्तरीय सक्र के कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य शुरुआत कर दिए है। सिल्ली से शुभारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश में 26 टीम बनाई गई है जो अलग अलग जिलों में जाकर के प्रखंड स्तरीय 100-100 सक्रिय कार्यकर्ताओं को झारखंड आंदोलन के मूल्यों के साथ साथ हम अपने आंदोलनकारियों के सपनों को साकार हम कैसे करेंगे, इसके लिए नेतृत्व को तैयार करेंगे। धन्यवाद। पार्टी भी क्या मानती है कि भोजपुरी और मगही जो भाषी है वो दमनकारी होती है।
हमने भी ये बयान सुना है, पूरे विश्व में तीन तरह से भाषाओं का के माध्यम से लिंक होता है, एक इंटरनेशनल, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर और तीसरा क्षेत्रीय स्तर पर, या कहें तो माँ जब दूध पिलाती है तो बच्चों से जिन भाषा से बोलती है बच्चा उस भाषा का उपयोग करता है। पर तीन त्रिस्तरीय अगर कोई व्यक्ति भाषा जानता हो तो उसको विश्व में कहीं भी जाने आने या बात करने में या संवाद स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं हो। जहाँ तक अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा तो गंगोत्री से निकलती है ना, पटना से तो नहीं निकलता है, लेकिन पटना में भी गंगा को लोग उतने ही श्रद्धा के साथ ही करते हैं। ऐसे ही हर भाषा का भी उद्गम स्थल, झारखंड के 9 भाषाएं, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाएं जिनका उद्गम झारखंड में हुआ है, कुछ भाषाएं जिनका उद्गम बिहार में है लेकिन झारखंड में बोली जाती है। हम दूसरे भाषाओं का अपमान नहीं करते हैं, इतिहास में क्या हुआ है उसको वर्तमान में सुधारने की ज़रूरत है। हमें लगता है ये झारखंड उन तमाम विद्वेष की स्थिति को निश्चित तौर पर ठीक करके आगे बढ़े। हमने भी उसको पढ़ा है, मैंने जनप्रतिनिधि और एक नौकर, एक ग्रेड का भी नौकर, बी ग्रेड का भी नौकर, लेकिन नौकर नौकर मतलब आज जो अफसरशाही का जो झलक दिखाई पड़ता है ना, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो जनप्रतिनिधि जीत करके आते हैं वो हमेशा माननीय रहते हैं, चाहे वो पंचायत का प्रतिनिधि क्यों नहीं हो, चाहे लोकसभा का प्रतिनिधि क्यों, क्योंकि उनको जनता के जनादेश से जीत के आते हैं। और उनके साथ अगर कोई पदाधिकारी इस तरह का व्यवहार करता है, मतलब ये लोकतंत्र का, हेल्दी लोकतंत्र का परिचायक। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है, सबको प्रोटेस्ट। पहले तो कांग्रेस को पता है कि नहीं वो किधर बैठा है, देने वाला आदमी मांगने लगे तो आदमी क्या कहेगा। आप निर्णय लेने के तरफ है, आप मांगने के तरफ नहीं है। आपको राजभवन के समक्ष जहाँ जहाँ आप धरना दिए वहाँ पर जा करके घोषणा करना था कि कैबिनेट में फलाना तारीख को निर्णय लिया जा रहा है। अगर आप मांग रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि देने वाला आखिर है कौन, वहाँ तो गठबंधन की सरकार है, अलग अलग कंपनी का पैर ट्यूब या इंजन लगने से क्या होता है ना, जैसे असेंबल करके अगर कोई गाड़ी बना दी जाती है, बना दिया भाई सरकार, लेकिन उसमें सुजुकी का, बजाज का और अलग अलग टायर ट्यूब लगा है, इंजन लगा है, तो आवाज़ तो ऐसा करेगा। इनको कहीं ना कहीं घिसकता हुआ नज़र आता है तो भूल जाते हैं कि हम इधर हैं कि उधर हैं, उनको तय कर। नहीं तो हमने तो स्पष्ट से बिंदुवार दिखा करके बोले, और हमारी संख्या इतनी नहीं थी कि हम घसक भी जाते तो सरकार को कोई फर्क भी पड़ता, इसके घसकने तो आराम से फर्क पड़ेगा, तो ये ताकत का एहसास तो करवाना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि अब तक आप सत्ता में रहे सबसे ज्यादा दिन सत्ता का भागीदारी रहे, लेकिन ये जो ओबीसी का मुद्दा है इसे लेकर के प्रमुखता से आप सामने नहीं आए सदन के अंदर। हम हमेशा इस विषय को, हमने कहा कि ये हमारा केवल नारा नहीं है बल्कि हमने ये हमारा विचारधारा है, हमारा स्लोगन भी देखेंगे पार्टी का
हमारा सामाजिक न्याय और विकास, हम हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं तब विकास की बात करते हैं, मैंने समाज के साथ न्याय होनी चाहिए। पिछड़ों की आबादी यहाँ काफ़ी है, उनकी स्थिति आज दयनीय है, पर हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। सर, समाज न्याय की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें तो बीते दिनों जिस तरीके से पत्रकार पर हमले हुए, हालांकि उसने पुलिस को पहले इसकी जानकारी दी थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं बीजेपी नेता की हत्या की गई, उसने भी आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था लेकिन पुलिस जो है वो सुस्त नजर आई। असंवेदनशील कानून व्यवस्था इसी को कहा जाता है, जहाँ न्याय देने वाले की हत्या होती है, न्याय की बात करने के वाले की हत्या होती है, चौथे स्तंभ के लोगों का भी हत्या हो रहा है, नेता का भी हत्या हो रहा है। लोग प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि खतरा है, फिर भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना, ये असंवेदनशील और एक तरह से कहीं के पूरा फेल्यूर है प्रशासनिक महकमा। ठीक, कांग्रेस बोल रही है डीवीसी के मुद्दे को लेकर बीजेपी कार्यालय के बीच घेराव करेगी, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ये जो डीवीसी का मामला है या जिसको लेकर के हमेशा टकराव बनी रहती है, हमको लगता है राज्य और केंद्र सरकार को बैठ करके इस पर तय करना। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय के मामले में सरकार का नज़रिया क्या है। हमारे स्मरण पत्र का जवाब उसी दिन उसने दे दिया, लाठी चला करके उसने अपना जवाब दे दिया कि भाई सामाजिक न्याय की बात या नहीं अन्याय की बात चली। इसको लेकर के भी हम पंचायत स्तर पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ पंचायत के सम्मेलन में हम वहाँ के स्थानीय मुद्दों को जो उस पंचायत में पड़ते हैं तमाम विषयों पर हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे नेताओं को एक साथ कलेक्ट करेंगे और फिर प्रखंड स्तर पे इसकी चर्चा होगी। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को धारदार बनाने का काम कर रही है। हमने जितने 100-100 प्रखंड स्तरीय सक्र के कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य शुरुआत कर दिए है, सिल्ली से शुभारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश में 26 टीम बनाई गई है जो अलग अलग जिलों में जाकर के प्रखंड स्तरीय 100-100 सक्रिय कार्यकर्ताओं को झारखंड आंदोलन के मूल्यों के साथ साथ हम अपने आंदोलनकारियों के सपनों को साकार हम कैसे करेंगे इसके लिए नेतृत्व को तैयार करेंगे। धन्यवाद। हमने भी ये बयान सुना है, पूरे विश्व में तीन तरह से भाषाओं का के माध्यम से लिंक होता है, एक इंटरनेशनल, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर और तीसरा क्षेत्रीय स्तर पर, या कहें तो माँ जब दूध पिलाती है तो बच्चों से जिन भाषा से बोलती है बच्चा उस भाषा का उपयोग करता है। पर तीन त्रिस्तरीय अगर कोई व्यक्ति मांगने लगे तो आदमी क्या कहेगा? आप निर्णय लेने के तरफ हैं, आप मांगने के तरफ नहीं है। आपको राजभवन के समक्ष जहां आप धरना दिए वहां पर जा करके घोषणा करना था कि कैबिनेट में फलाना तारीख को निर्णय लिया जा रहा है। अगर आप
मांग रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि देने वाला आखिर है कौन? कांग्रेस, वहाँ तो गठबंधन की सरकार है, अलग अलग कंपनी का टायर ट्यूब या इंजन लगने से क्या होता है ना, जैसे असेंबल करके अगर कोई गाड़ी बना दी जाती है, बना दिया भाई सरकार, लेकिन उसमें सुजुकी का, बजाज का और अलग अलग टायर ट्यूब लगा है, इंजन लगा है, तो आवाज़ तो ऐसा करेगा। इनको कहीं ना कहीं घिसकता हुआ नज़र आता है तो भूल जाते हैं कि हम इधर हैं कि उधर हैं। उनको तय कर नहीं तो हमने तो स्पष्ट से बिंदुवार दिखा करके बोले, और हमारी संख्या इतनी नहीं थी कि हम घसक भी जाते तो सरकार को कोई फर्क भी पड़ता, इसके घसकने तो आराम से फर्क पड़ेगा, तो ये ताकत का एहसास तो करवाना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि अब तक आप सत्ता में रहे हैं सबसे ज्यादा दिन सत्ता का भागीदारी रही है, ये जो ओबीसी का मुद्दा है इसे लेकर के प्रमुखता से आप सामने नहीं आए सदन के अंदर? हम हमेशा इस विषय को, हमने कहा कि ये हमारा केवल नारा नहीं है बल्कि हमने ये हमारा विचारधारा है, हमारा स्लोगन भी देखेंगे पार्टी का, हमारा सामाजिक न्याय और विकास, हम हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं तब विकास की बात करते हैं, मैंने समाज के साथ न्याय होनी चाहिए। पिछड़ों की आबादी यहाँ काफ़ी है, उनकी स्थिति आज दयनीय है, पर हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। सर, समाज न्याय की बात कर रहे हैं, सही की बात कर रहे हैं, सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें तो बीते दिनों जिस तरीके से पत्रकार पर हमले हुए, हालांकि उसने पुलिस को पहले इसकी जानकारी दी थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, वहीं बीजेपी नेता की हत्या की गई, उसने भी आम लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था लेकिन पुलिस जो है वो सुस्त नजर आई। असंवेदनशील कानून व्यवस्था इसी को कहा जाता है, जहाँ न्याय देने वाले की हत्या होती है, न्याय की बात करने के वाले की हत्या होती है, चौथे स्तंभ के लोगों का भी हत्या हो रहा है, नेता का भी हत्या हो रहा है, लोग प्रशासन को आगाह कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा आज यहाँ कुछ अमुक बिंदुओं पर चर्चा हुई, कांग्रेस को लेके, बीजेपी को लेके और किस प्रकार पार्टी को आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा हुई। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे, मेरे सहयोगी प्रेम के साथ मैं विकास और आप देख रहे हैं सैन्य।